परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर असमुत परी आपका स्पिरिचुअल गुरु हीलर ट्रेनर वास्तु कंसल्टेंट मेरे यूट्यूब की यूनिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक अच्छे सूर्य चिकित्सक बने। जी हाँ मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक अच्छे सूर्य चिकित्सक बने और वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों फ्री में चाहता हूँ कि मैं आप एक अच्छे सूर्य चिकित्सक बने और वो भी घर बैठे आपके अपने टाइम पर। और इसीलिए ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सूर्य किरण चिकित्सा की एक पूरी वीडियो सीरीज बनाना चालू किया है। अभी तक मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसका मैंने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ये जो तीन पार्ट है वो रिलीज कर दिए हैं। पार्ट वन में मैंने बताया था कि सूर्य किरण चिकित्सा क्या है, ठीक है, उसको कैसे इलाज किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक होती है जिसमें सूर्य किरण चिकित्सा का इस्तेमाल हो सकता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये मैंने बताया था। पार्ट टू में मैंने बताया कि सूर्य किरण चिकित्सा में रंगों से इस्तेमाल चिकित्सा होती है, तो उसमें जो सात रंग होते हैं उसमें से तीन रंग के पार्ट टू में मैंने बताया है और चार रंग के पार्ट थ्री में बताया है कि ये रंग का इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी बीमारी में आपको कौन कौन सा कलर यूज करना चाहिए, इससे रिलेटेड पार्ट टू और पार्ट थ्री मैंने बनाया हुआ है। अभी पार्ट फोर में मैं आपको बताऊंगा कि मानसिक और भावनात्मक, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ बीमारियां जो होती है वो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होती है, तो सूर्य किरण चिकित्सा से मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जो कुछ बीमारी होती है उसका भी हीलिंग कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। एंड में मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी देने वाला हूँ। देखिए सूर्य किरण चिकित्सा में सात रंग होते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा टिप बताऊंगा जिससे आपको सात रंग को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ तीन रंग को ही आप याद रखना होगा आपको और उसी से आप अपना इलाज कर सकते हैं। बहुत सारी लाइलाज बीमारियां होती हैं, जैसे पुरानी कब्ज हो, ठीक है, पेट के दर्द हो, माइग्रेन हो, सिर दर्द रहता हो, घुटनों का पेन हो, ठीक है, डायबिटीज है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में पथरी है, फीमेल के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, मासिक से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, ऐसी काफी सारी बीमारियां जिसका इलाज बहुत सारी दवाइयां करने के बाद भी अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है तो ये चिकित्सा आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए मैं सब कुछ आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ सीखने में, ये वीडियो बनाने में, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, ये सब ड्रॉइंग करने में मुझे मेहनत लगती है। एक वीडियो के लिए मुझे 4 से 5 घंटे हो जाते हैं। तो अगर आप मेरी मेहनत का फल मुझे देना चाहते हैं तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसको नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी जो कुछ भी बीमारी है उसका अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप उसे नहीं देख सकते हैं, इसलिए बेल आइकन को जरूर से दबाइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो, सूर्य किरण चिकित्सा पार्ट फोर, ठीक है। पार्ट वन टू थ्री जो है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसे आप देख लीजिए, ठीक है। मानसिक और भावनात्मक बीमारियों का इलाज, देखिए पहला है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग क्या करता है, मानसिक शांति देता है, ठीक है। अगर कोई मेंटली बहुत ही स्ट्रेस है, टेंशन में रहता है, ठीक है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ठीक है, मानसिक शांति जिसको नहीं मिल रही है तो बैंगनी रंग से मानसिक शांति भी मिलती है। मेमोरी पावर, स्टूडेंट के कंसंट्रेशन पावर को, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए ये बैंगनी रंग का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, याद शक्ति बढ़ाने के लिए बैंगनी रंग होता है। आगे है नीला रंग। नीला रंग वो भी हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ाता है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है नीला रंग। उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं तो स्टडी में उसका अच्छे मार्क्स आने के चांस ज्यादा रहते हैं। स्ट्रेस टेंशन है, ठीक है, जो बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन अगर आपको रहता है तो आप नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी मेरा थियरी पार्ट चल रहा है, ठीक है, पार्ट वन टू थ्री फोर ये सब थियरी पार्ट है,
अब नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रैक्टिकल पार्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको थियोरी तो पता चल जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, जरूर से बताऊंगा, इसलिए मेरे साथ एंड तक जरूर से बने रहिए और तभी आप एक अच्छे सूर्य चिकित्सक बन सकते हैं। तो स्ट्रेस टेंशन के लिए नीला रंग इस्तेमाल होता है। डिप्रेशन, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है तो उसके लिए भी नीला रंग का इस्तेमाल होता है। ज्यादा विचार आना, कई बार क्या होता है हमें बहुत ज्यादा विचार आ जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार आ जाते हैं, ठीक है, हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है, तो उस टाइम भी नीला रंग का इस्तेमाल हो सकता है। आगे है हरा रंग, मानसिक स्वस्थता प्रदान करता है, ये भी मानसिकता ही से रिलेटेड है, ठीक है। आनंद और खुशी देता है, जिस किसी को भी आनंद अपने जीवन में आनंद और खुशी की कमी लग रही है तो ये हरा रंग का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, वो आपको आनंद से भर देगा, खुशी से भर देगा, ठीक है। आगे है पीला रंग, मन को स्ट्रांग करता है, ठीक है, विल पावर बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। पीला रंग जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमारे मन को एकदम स्ट्रांग करता है, ठीक है, तो उसके लिए पीला रंग इस्तेमाल होता है। लास्ट में है नारंगी रंग, मानसिक शक्ति प्रदान करता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, साहस को बढ़ाता है, ठीक है, जिसके अंदर विल पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, इच्छा शक्ति नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए नारंगी कलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो थे कुछ मानसिक बीमारियां हैं, ठीक है, मानसिकता से रिलेटेड भावनात्मक बीमारियां हैं, उसमें ये सभी रंगों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे आगे जैसे आगे वीडियो में जाएंगे मैं आपको और भी बताता जाऊंगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड से मैं बताऊंगा, एक टिप्स देने जा रहा हूं आपको, सभी सातों सात रंगों को अगर याद रखने की जरूरत नहीं हो, ठीक है, आपको लगता है कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आपको सिर्फ तीन रंग याद रखने हैं। कौन से तीन रंग? देखिए यहां मैंने लिखा है नीला रंग, ये जो नीला रंग है, क्यों सिर्फ नीला रंग ही? नीला रंग में बैंगनी रंग और आसमानी रंग, ये दोनों रंग के जो गुण होते हैं, ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज होती है वो नीले रंग में होती है। नीले रंग में जो पहला वाला है ना बैंगनी रंग और तीसरा वाला आसमानी रंग, ये दोनों कलर के मिक्सर, उनकी क्वालिटी का मिक्सर ये नीले रंग में देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको बैंगनी रंग का या आसमानी रंग का इस्तेमाल नहीं करना है तो सिर्फ नीले कलर से भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। आगे है हरा रंग, हरा रंग है वो पीला रंग और नारंगी रंग को मिक्स करके बनाता है, ठीक है, इन दोनों रंग की क्वालिटी हरे रंग में आती है। हरे रंग में पीले रंग और नारंगी रंग, ये दोनों रंग की क्वालिटीज जो है, उनके जो गुण है वो हरे रंग में आते हैं। इसलिए अगर आपको पीला रंग और नीले रंग का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप हरा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में है नारंगी रंग, इसमें लाल रंग और पीला रंग इन दोनों की क्वालिटीज आती है, इनके दोनों के गुण नारंगी रंग में आते हैं, इसलिए पीला रंग नहीं इस्तेमाल करना है, लाल नहीं करना है तो नारंगी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको ये सिर्फ तीन रंग का ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, ये तीन रंग भी आप याद रखेंगे ना तो भी बहुत है, इन तीनों रंगों से भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, ठीक है, इसलिए इस तीनों रंगों को आप याद रखिए, ठीक है। तो ये थे मानसिक और भावनात्मक बीमारियों का इलाज। अब आगे कुछ नोट्स है वो भी ध्यान में रखिए। सबसे पहले ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, अल्टरनेटिंग हीलिंग थेरापी जो भी होती है वो हम साइड बाई करते हैं, ठीक है, थीके? अगर आपको कोई भी बीमारी है, फिजिकल मेंटल इमोशनल जो कुछ भी बीमारी है, सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से कीजिए, वो जो कुछ भी कह रहे हैं, दवाई दे रहे, सब कुछ लीजिए, उनको अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर को अवॉइड नहीं करना है, मैं बार बार कहता हूँ। साथ ही साथ वो जो इलाज करते हैं उनके साथ साथ में आप ये सब इलाज कर सकते हैं, कोई भी ऑल्टरनेटिंग हीलिंग थेरापी हो वो साइड बाई साइड ही इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, देखिए अब जो है ना थियरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल बनाने जा रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये सूर्य किरण चिकित्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि कैसे इस्तेमाल होती है, कौन कौन से रंग कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये सूर्य किरण चिकित्सा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसलिए अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं।
अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर जरूर से कीजिए। अगर वो भी कोई बीमारी से पीड़ित है तो अगर वो सूर्यग्रहण चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं तो शायद उनकी बीमारी ठीक हो जाए और उनके बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको भी मिल सकते हैं। तो उस ब्लेसिंग्स को ना गवाएं, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर जरूर से कीजिए। कॉमेंट में मुझे बताएं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल चालू हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन कौन सी बीमारी से पीड़ित है, आपके फैमिली मेंबर कौन कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है। तो मैं उन पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर से करूंगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।